मूवी स्टार्ट होती है एक प्लेन से जिसका नाम डस्टी था। इसका काम था खेतों में खाद डालना। इसको रेसिंग का बहुत ज्यादा शौक था, जिसकी वजह से काम करते हुए भी वो रेसिंग के ही बस ड्रीम्स दिखा करता था। काम से फ्री होने के बाद जब भी उसे टाइम मिलता था वो एक अलग सी जगह पर जाकर रेसिंग की प्रैक्टिस किया करता था। इसका एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड था जिसका नाम चक था। ये दोनों मिलकर रेसिंग की प्रैक्टिस किया करते थे। एक दिन डस्टी जब काम कर रहा था तो उसको महसूस हुआ कि जैसे उसमें कोई खराबी गई है, जिसके बाद वो जाता है अपने गैराज पर खुद को चेक करवाने के लिए। यहाँ पर डॉटी उसको चेक करती है। अब वो चेक ही कर रही थी कि चक यहाँ पर पहुँच जाता है और यहाँ पर वो सामने ही कहता है कि तुम तो बहुत अच्छी रेसिंग करते हो। ऐसे अब डॉटी को पता चल जाता है कि यहाँ पर चक और ये दोनों तो मिलकर रेसिंग कर रहे हैं। डॉटी इन दोनों को बहुत डांटती है और डस्टी को मना करती है कि तुमने अब दोबारा रेसिंग नहीं करनी। इसके बाद डस्टी और चक एक रेसिंग एड देखते हैं जहाँ पर किसी रेस के बारे में बात हो रही थी। जग यहाँ डस्टी से कहता है कि हम जिस मैनुअल को फॉलो कर रहे हैं उसमें इतनी डिटेल्स नहीं, इसलिए हमें किसी की मदद लेनी होगी ताकि हम अच्छे से रेसिंग सीख सकें। जिसके बाद इनको ख्याल आता है स्किपर का, जो कि एक रिटायर्ड प्लेन था। ये दोनों स्किपर के पास जाते हैं और उसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर वो इनको रेसिंग के बारे में सिखा दे, बट स्किपर तो साफ साफ इनकार करता है। डस्टी उसे फिर से रिक्वेस्ट करता है बट स्किपर फिर भी नहीं सुनता। इसके बाद ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। डस्टी नेक्स्ट डे उस रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए पहुंच जाता है। वहां पर तो लास्ट 3 ईयर्स का विनर रिप स्लिंगर भी था, जो कि प्रोबेबली इस बार भी जीतने वाला था। बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करने के लिए यहां पर पहुंच चुके थे। टॉप 5 वाले ही वो थे जिनको अब सिलेक्ट करना था। अब ये रेस स्टार्ट होती है और एक एक करके सब उड़ने लगते हैं। डस्टी जब स्टार्ट करता है तो हर कोई उसका बहुत मजाक उड़ाता है, बट फिर भी वो हार नहीं मानता और उड़ने लगता है। बहुत सारी मेहनत के बाद भी डस्टी यहाँ पर 6 नंबर पर पहुँचता है, जिसकी वजह से वो अब कंपटीशन में पार्ट नहीं ले पाता। डस्टी बहुत ज्यादा दुखी होता है और फिर से अपने काम पर आ जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि स्किपर अब भी उस पर नजर रखे हुए था। अब एक दिन उसे अनाउंसमेंट मिलती है कि एक ऐसा पार्टिसिपेंट था जिसके अंदर हमें इलीगल फ्यूल मिला है, तो अब तुम क्वालिफाई कर गए हो। ये बात सुनकर तो डस्टी पागल हो जाता है खुशी से, क्योंकि उसका फाइनली ड्रीम अब पूरा होने वाला था। जब भी यहाँ पहुँच जाता है और ये दोनों बहुत खुश होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि डस्टी कैसे रेस का मैप देख रहा था कि उसे कहाँ से कहाँ तक जाना होगा। यहाँ पर स्किपर पहुँचता है और फिर से डस्टी को मना करता है कि तुम्हें रेस में पार्ट नहीं लेना, ना तो तुम्हें उड़ना आता है और ना ही तुम्हारी कोई स्पीड है। ये दोनों बातें कर ही रहे थे जिसके बाद स्किपर उसे कहता है कि सुबह तुम ग्राउंड में पहुँच जाना। अब हम देखते हैं कि स्किपर इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहा है। सुबह वो उसको कहता है कि डस्टी तुम बहुत ऊपर जहाँ तक जा सकते हो तेजी से उड़ो। हम देखते हैं कि डस्टी कैसे आराम से ऊपर जा रहा है, बट एक स्पेसिफिक हाइट के बाद वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और फौरन जमीन पे वापस आ जाता है। इसके बाद डस्टी सबको बताता है कि उसे ज्यादा हाइट से डर लगता है। डस्टी स्किपर को बताता है कि मैं 1000 फीट से ज्यादा आगे नहीं गया। इसके बाद स्किपर उसे कहता है कि अभी हाइट पे फोकस हमें नहीं करना, तुम्हें अपनी स्पीड को बढ़ाना होगा। डॉटी यहाँ पर उसके इंजन में कुछ चेंजेस करती है, जिसके बाद डस्टी की काफी ज्यादा स्पीड तेज हो गई थी। इसके बाद तो वो खुद पर नेवी का लोगो भी लगा लेता है। अब वो उस कैंप में पहुंचता है जहाँ पर सारे रेसर्स थे। इन सारे प्लेन्स में से एक इंडिया से आई प्लेन भी थी जिसका नाम शानी था। यहाँ पर रिप भी था, बट वो कोई खास लिफ्ट नहीं कर रहा था डस्टी को, बल्कि उसका मजाक उड़ा रहा था। इसके बाद डस्टी भी उस पे खास ध्यान नहीं देता। अब नेक्स्ट डे आ जाता है जब रेस स्टार्ट होती है, जिसमें पता चलता है कि इन्हें पूरी दुनिया का चक्कर लगाना है। पहले लेवल में इनको न्यूयॉर्क से आइसलैंड तक जाना होगा। रेस स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि सारे प्लेन ऊपर उड़ रही हैं, पर डस्टी बाकियों से बिल्कुल अलग नीचे उड़ रहा था और इसी वजह से शायद वो पहले पॉइंट पे सबसे लास्ट में पहुंचता है। इसी वजह से बहुत ज्यादा ठंड लगने की वजह से उसके विंग्स थोड़े खराब भी हो रहे थे। यहाँ पर वो अपने फ्रेंड से कॉन्टेक्ट करता है, जहाँ पर स्किपर उसे बताता है कि अब नेक्स्ट टाइम तुम्हें थोड़ा ऊपर से उड़ना होगा वरना तुम हार मान जाओ। अब सेकेंड लेवल स्टार्ट होता है जहाँ पर सबको आइसलैंड से जर्मनी तक फ्लाई करना था। ये सारे प्लेन रात को ही उड़ने लगते हैं। हम देखते हैं कि रेस के बीच में ही एक प्लेन जिसका नाम बुलडॉग था उसमें कुछ खराबी आ जाती है। डस्टी उसकी मदद करता है लैंड करने में। यहाँ पर इसी वजह से वो काफी पीछे रह जाता है और फिर से लास्ट आता है, बट बुलडॉग उसको बहुत ज्यादा थैंक यू बोलता है। यहाँ पर डस्टी अपने एक फैन से भी मिलता है। वो फैन डस्टी को बताता है कि अगर तुम अपने पाइप्स निकाल दो तो तुम्हारी फ्लाइट बहुत अच्छी हो जाएगी। जिसके बाद डस्टी बिल्कुल ऐसा ही करता है और उसकी फ्लाइट बहुत बेहतर हो जाती है। अब रेस का थर्ड लेवल स्टार्ट होता है जहाँ पर इनको जर्मनी से इंडिया जाना था। रेस स्टार्ट होती है और हम देख
देखते हैं कि कुछ प्लेन्स में खराबी आने की वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता से नीचे लैंड कर रहे हैं और इसी वजह से डस्टी सबसे आगे निकलकर इंडिया में सबसे पहले पहुंचता है। अब हर न्यूज चैनल के ऊपर तो सिर्फ डस्टी का ही जिक्र हो रहा था और इस सबसे रिप को बहुत गुस्सा आता है कि इतनी ज्यादा फेमस ही कैसे हो रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्किपर ट्राई करता है कि वो भी उड़े, बट वो पुराना होने की वजह से उड़ नहीं पाता। रिप भी प्लान करता है कि किसी तरीके से डस्टी को हरा दे। दूसरी तरफ चक छोटे छोटे से प्लेन्स बनाता है टॉयज की तरह के और उनको सेल कर रहा था क्योंकि डस्टी इतना फेमस हो गया था। इशानी डस्टी को कॉन्ग्रेचुलेट करती है और उसे बताती है कि हम इंडिया में हैं तो हमें ताजमहल देखना चाहिए। ये दोनों मिलकर ताजमहल देखने के लिए जाते हैं जहाँ पर डस्टी सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। यहाँ पर अब इनका नेक्स्ट लेवल था इंडिया से नेपाल जाने का। यहाँ पर इशानी उसे बताती है कि वहाँ पर बहुत ज्यादा बड़े बड़े से पहाड़ हैं, तुम्हें हाइट से डर लगता है तो तुम वहाँ टनल से भी गुजर सकते हो। अब ऐसे ही रेस स्टार्ट हो जाती है और डस्टी जब नेपाल तक पहुँचता है तो देखता है कि वहाँ के पहाड़ तो बहुत ही ज्यादा बड़े हैं, जिनकी हाइट से ऑब्वियसली उसे बहुत डर लग रहा था। इसके बाद उसे इशानी का वही आइडिया याद आता है और वो टनल के थ्रू ही जाना पसंद करता है। पर टनल में जैसे ही वो जाता है तो देखता है कि वो तो बहुत ही ज्यादा नैरो है। उसके विंग्स साथ की वॉल से टकरा रहे थे और थोड़ी ही दूर आगे उसे एक ट्रेन आती दिखाई देती है। वो ट्रेन जैसे ही डस्टी को देखती है तो ब्रेक लगाती है और बहुत ही मुश्किलों से डस्टी उस टनल से बचकर बाहर निकलता है। ऐसे ही डस्टी नेपाल पॉइंट तक पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचकर उसे पता चलता है कि वो फर्स्ट आया है और अभी कोई भी दूर दूर तक पहुंच नहीं पाया। यहां पर जब बाकी सारे प्लेन्स पहुंचते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं कि डस्टी कैसे उस टनल से निकल आया है। इसके बाद डस्टी जाता है शानी के पास और उसे कहता है कि तुमने मुझे एक गलत आइडिया दिया था और मैं बहुत मुश्किलों से वहां से बचा हूं। जिसके बाद उसे पता चलता है कि ये तो रिप का सारा प्लान था। ये सारी बात डस्टी को बहुत अपसेट कर देती है। इसके बाद नेक्स्ट लेवल स्टार्ट होता है जहां पर इन्हें नेपाल से चाइना जाना था। हर जगह पर डस्टी बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया था। वो चाइना भी सबसे पहले पहुंचता है जहां पर उतरते साथ ही वो स्किपर से बात करता है। स्किपर उसे बताता है कि तुम्हें पैसिफिक ओशन के ऊपर से गुजरना होगा और वहां पर तूफान भी हो सकता है। इसके बाद का लेवल सबसे लंबा था जहां पर इनको चाइना से मेक्सिको जाना था। हर जगह पर डस्टी की वीडियोस वायरल हो रही थी, वो बहुत ज्यादा फेमस होने लगा था। अब इनका सफर स्टार्ट होता है और एक और प्लेन रिप के कहने के ऊपर डस्टी का एंटीना तोड़ देता है, जिसके बाद डस्टी को कोई भी डायरेक्शन समझ नहीं आ रही थी। वो बिल्कुल यहाँ पर गुम हो गया था और हम देखते हैं कि उसका फ्यूल भी अब खत्म होने वाला है। डस्टी बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था, पर यहाँ पर दो फाइटर प्लेन्स आते हैं जो कि डस्टी की प्रॉब्लम देखकर उसे कहते हैं कि हमारे साथ हमारी शिप पर चलो, जो कि आर्मी की ही थी। यहाँ पर जब डस्टी लैंड करता है तो वहाँ पर एक वॉल देखता है जिसपे बहुत सारी सारे फाइटर प्लेन्स की पिक्चर्स लगी थी। यहाँ पर तो वो स्किपर का नाम ढूंढने लगता है। वहाँ पर उसे पता चलता है कि स्किपर के नाम के नीचे सिर्फ एक मिशन लिखा है। जिसके बाद वो स्किपर से बात करता है और कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुमने बहुत सारे मिशन किए हैं, पर यहाँ पर तो सिर्फ एक ही लिखा है। स्किपर इस बात से एग्री करता है और बताता है कि हाँ, मैं सिर्फ एक ही मिशन पर गया था। इसके बाद शिप का कैप्टन आकर डस्टी से कहता है कि एक बहुत ही तेज तूफान आने वाला है तो तुम्हें उससे पहले ही फ्लाई करना होगा। इसके बाद बाकी सारे प्लेन्स उस शिप की मदद करते हैं डस्टी को एक बहुत ही अच्छा लॉन्च देने में, जिसके बाद उसकी स्पीड काफी अच्छी होती है और वो बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रिप सबके सामने अच्छा बनने के लिए मीडिया में डस्टी की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा था ताकि उस पर कोई भी शक ना कर सके। उसके अलावा हम देखते हैं कि डस्टी तूफान में से गुजरता हुआ निकल रहा है, पर उसके माइंड में तो स्किपर की ही बात चल रही है, जिसकी वजह से वो तूफान पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता और इसी तरह लहरों में गुम होकर नीचे गिर जाता है पानी। यहाँ पर रेस्क्यू प्लेन्स आते हैं और डस्टी को वहां से बाहर निकालते हैं, जिसके बाद उसे दोबारा बेस पर लेकर जाया जाता है। वहां पर उसके सारे फ्रेंड्स आ जाते हैं। डॉटी जब चेक करती है डस्टी को तो बताती है कि इसके विंग्स टूट चुके हैं और इसका इंजन भी अब काम नहीं कर रहा और शायद अब वो आगे रेस में पार्ट ना ले सके। इसके बाद तो सब बहुत उदास हो जाते हैं। यहाँ पर स्किपर भी पहुँचता है। अब डस्टी उसे पूछता है कि मुझे अपने मिशन के बारे में बताओ, कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। स्किपर सबसे कहता है कि हम दोनों को अकेला छोड़ दो, मुझे डस्टी से अकेले बात करनी है। सब चले जाते हैं, बस ये दो ही रहते हैं। जिसके बाद स्किपर उसे बताता है अपनी स्टोरी कि कैसे मैं बाकी सारे फाइटर प्लेन्स के साथ उड़ रहा था, कि जब हम पे हमला कर दिया गया था मेरे सारे दोस्त मर गए थे और सिर्फ मैं ही बचा था,
बट मेरी हालत इतनी अच्छी नहीं थी। उसके बाद मैं दोबारा फ्लाई नहीं कर सका। इसके बाद वो किसी और मिशन पे भी नहीं गया। ये सारी बात सुनकर डस्टी बहुत उदास होता है और वहाँ से चला जाता है। वो बहुत डाउन फील कर रहा था। डॉटी उसके पास आती है और उसे समझाती है कि तुम एक रेसर हो, तुम कोई सिंपल प्लेन नहीं जो कि जगहों के ऊपर जाकर दवाई छिड़कता हो, तुम्हें बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहना चाहिए। यहाँ पर वो प्लेन भी आता है जिसकी मदद की थी पहले डस्टी ने। वो डस्टी को नए विंग्स देता है। इसके बाद एक एक करके बाकी सारे प्लेन्स यहाँ पर आते हैं और वो डस्टी को कुछ न कुछ नई चीज गिफ्ट करते हैं जो कि डॉटी यूज करती है ताकि दोबारा से डस्टी बिल्कुल ठीक हो जाए। डस्टी अब रेडी हो चुका था दोबारा से रेस करने के लिए और ये चीज रिप देखकर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो एक बार फिर से प्लान बनाता है कि किसी तरीके से डस्टी को अपने रास्ते से हटा दे, पर ये सारा प्लान स्किपर सुन लेता है। अब लास्ट राउंड स्टार्ट होता है जहाँ पर इनको दोबारा वापस जाना था न्यूयॉर्क। एक एक करके सारे प्लेन उड़ने लगते हैं, पर पेनल्टी के तौर पर हम देखते हैं कि डस्टी को थोड़ी देर के बाद फ्लाइट की परमिशन मिलती है, पर इसके बाद भी वो एक एक करके सारे प्लेन्स को पीछे छोड़ता हुआ आगे निकल रहा था। यहाँ पर जब रिप ये चीज देखता है तो वो तो बहुत ही गुस्से में आ जाता है। डस्टी को हराने के लिए वो उसके ऊपर अटैक करता है और उसको बहुत ही बुरी तरीके से जमीन के साथ क्रैश कराने की कोशिश कर रहा था, पर इससे पहले कि वो कुछ करता हम देखते हैं कि यहाँ पर स्किपर पहुंच जाता है जो कि रिप को बहुत बुरी तरीके से हराने की कोशिश कर रहा था। हम तो यहाँ पर स्किपर को उड़ता देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं। स्किपर फुल तैयारी के साथ आया था कि वो डस्टी की मदद करेगा रिप को हराने में। यहाँ पर बहुत ही होशियारी से डस्टी बहुत बुरे तरीके से रिप के दो प्लेन्स को खत्म कर देता है। ये देखकर तो रिप को बहुत गुस्सा आता है और वो स्किपर पे हमला करने के लिए उसके पास आता है और इसी तरह से उसके विंग को बहुत बुरे तरीके से डैमेज कर देता है, जिसके बाद स्किपर की स्पीड बहुत कम हो जाती है। स्किपर फिर भी डस्टी से कहता है कि तेज उड़ो। यहाँ पर डस्टी फुल कोशिश करता है बट फिर भी उसकी स्पीड कुछ खास बढ़ नहीं रही थी। जब वो आसमान की तरफ देखता है तो डस्टी सोचता है कि मुझे अब बादलों के ऊपर से ही उड़ना होगा और वो ऐसा ही करता है। फुल स्पीड से बादलों के ऊपर से होते हुए वो बिल्कुल एंड के ऊपर हरा देता है बाकी सबको और फर्स्ट आ जाता है। रिप तो बहुत बुरे तरीके से अपसेट फील करता है क्योंकि ऐसे ही इसकी ईगो खत्म हो गई थी। यहाँ पर डस्टी और बाकी उसके सारे फ्रेंड्स और फैन बहुत ज्यादा खुश थे कि वो जीत गया है। यहाँ पर एंड में डस्टी थैंक यू बोलता है स्किपर को कि उसने उसकी इतनी हेल्प की, वरना वो आज जीत नहीं पाता। एंड सीन में हम देखते हैं कि डस्टी और स्किपर उसी नेवी शिप के ऊपर हैं जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से रेस लगा रहे हैं। स्किपर भी अपनी ओल्ड शिप के ऊपर आके बहुत ज्यादा खुश था और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है।